स्मारक भी दिया हुआ है और प्रशासनिक शब्दावली तो आप लोग जानते ही हैं। और इसमें ये हेलो फ्रेंड्स, मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है। मैं चाय भी बना रही हूँ और लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार भी हो रही हूँ। तो चाय बन गई है, चलिए चाय पी लेते हैं, फिर लाइब्रेरी के लिए तैयार होते हैं। आजकल चाय मैं कुछ ज़्यादा ही पी ले रही हूँ, मुझे इसे कम करना है। ठंडी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अब गलन वाली ठंडी पड़ने लगी। आज सुबह जब मेरा अलार्म बजा 4 बजे, मैं उठी तो लेकिन मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं किया पढ़ने का और मैं अलार्म बंद करके फिर से सो गई। दोबारा मैं 5:30 बजे उठी, मैं बिस्तर पे ही पढ़ाई कर ली, मैं उसे शूट नहीं की। ज़्यादा ठंडक से मेरे सिर में दर्द होने लगता है, ठंडक से बचे रहेंगे तो बहुत टाइम मिलेगा ब्लॉग बनाने का। आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर लाइब्रेरी चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं लाइब्रेरी आ चुकी हूँ। लाइब्रेरी में 8 बजे से पहले ही पहुँच गई थी, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं जिन्हें कंप्लीट करना रहता है, जैसे रजिस्टर में साइन करना रहता है, उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैं इसी बुक की बात कर रही थी, यह सामान हिंदी एवं आलेखन की समीक्षा अधिकारी मेन्स की बुक है और ये बहुत अच्छी बुक है। मैं इसे सबसे पहले प्रशासनिक शब्दावली और मुहावरे याद करूँगी। यहाँ पर बल्ब में किसी ने पेपर लगा दिया है, इसकी इतनी तेज़ लाइट होती है कि कुछ देर पढ़ने के बाद आँख दर्द होने लगता है, तो इससे थोड़ा सही रहेगा। फ्रेंड्स, ये बुक सबके पास होनी चाहिए क्योंकि इससे हमें मेंस में किस टाइप के पेपर आते हैं उसका थोड़ा सा अंदाज़ा लगता है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती भी हूँ। देखिए, हिंदी के पेपर में गद्यांश टाइप के प्रश्न आते हैं और इसमें पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र जैसे PCS के और RO में, दोनों में गद्यांश आता है, तो दोनों के जो पेपर हुए हैं वो उसमें इंक्लूड किए गए हैं। और ये पत्र लेखन में सारणी रूप में लिखने के लिए आता है तो वो इसमें दिया हुआ है, कार्यालय ज्ञाप दिया हुआ है, परिपत्र दिया हुआ है। तो RO में हिंदी के टॉपिक से जो जो आते हैं सब कुछ इसमें दिया हुआ, इसमें पढ़ाया भी गया है, बताया भी गया है और उसके प्रश्न भी दिए गए हैं। मुहावरा दिया हुआ है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो प्रीलिम्स में नहीं आता है, मेंस में ही आता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं तो फ्रेंड्स, टाइमिंग 8:50 हो गया है और मैं प्रशासनिक शब्दावली और मुहावरा दोनों ही पढ़ चुकी हूँ। इसके बाद मैं हिंदी पढ़ूंगी। तो हिंदी में मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द खत्म कर दी हूँ और आज मैं तत्सम तद्भव पढ़ूंगी। तो फ्रेंड्स, 11:15 होने वाला है, अब घर चलते हैं, थोड़ी देर नाश्ता करते हैं, धूप में बैठते हैं और फिर से लाइब्रेरी आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं घर आ चुकी हूँ, नाश्ता भी कर चुकी हूँ, अब थोड़ी देर धूप में बैठने का मन कर रहा है और ये इतनी सारी लकड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं और सामने जो ये इधर इतनी सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, ये सब ठंडी में जलाया जाएगा। जब बहुत ज़्यादा ठंडक होता है, धूप नहीं निकल, जब दिन भर धूप नहीं निकलता है, कोहरा रहता है, तो दिन भर ऐसे लकड़ियाँ जला करती हैं और सब लोग हाथ सेकते रहते हैं। चिंकी पिंकी अपना खेलने में मस्त है। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरा माइक ख़राब हो गया है जिससे मैं वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ, तो मुझे लगता है इसका सेल डाउन हो गया है, सेल यहाँ पे कहीं पे मिलेगा भी नहीं, अमेज़ॉन से मंगाना पड़ेगा सेल। तो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, हो सकता है आवाज़ अच्छी ना आए तो आप लोग एडजस्ट करिएगा, मैं जल्दी जल्दी से रिकॉर्ड कर लेती हूँ।
पूनम का कमेंट था कि यूपी के लिए दृष्टि की बुक पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर पढ़ सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे अच्छी एक परीक्षा वाणी की पतली सी यूपी की स्पेशल की बुक आती है, वो बहुत अच्छी होती है और ज़्यादातर क्वेश्चन उसी बुक से आते हैं, तो आपको वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। रिया की डिमांड है कि 1 वीक में 2 ब्लॉक्स आने ही चाहिए, और सही भी है, 2 ब्लॉक तो बनने ही चाहिए, लेकिन टाइम इतना लग जाता है कि बन नहीं पाता है। एक कमेंट आया था कि तुम्हारे जैसे लोग ही स्टूडेंट को सुसाइड करने के लिए फोर्स करते हैं, पता नहीं उन्हें क्या गलतफहमी हो गई, ऐसा कंटेंट तो मैं नहीं बनाती हूँ जिसे देखकर लोग डिप्रेशन में आ जाएं। चलो ठीक है, हो सकता है व्लॉग देखकर कोई मोटिवेट ना हो, पर ऐसा भी नहीं कि कोई व्लॉग से कोई सुसाइड करने के बारे में सोचे। अपनी अपनी सोच है, यही व्लॉग किसी को मोटिवेशनल लगती है और किसी को नहीं लगती, व्लॉग तो वही है, देखने का नज़रिया अलग अलग है। खैर कोई बात नहीं, यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ तारीफ भी होगी और आलोचना का शिकार भी होना पड़ेगा, तो हमें दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सुबह के लिए सोया मेथी पालक की साग है, और आज फिर मेरे यहाँ बिरयानी बना है। जब बिरयानी बनता है तो बड़े से भगोने में बनता है, देखिए भी बहुत गर्म है, अभी तुरंत ही यही बना है, तो आज फिर मुझे अपने लिए कुछ अलग से बनाना पड़ेगा। तो ये सब बनाने के लिए अलग गैस स्टोव है, क्योंकि ये जब बनता है तो ज़्यादा बनता है और नॉर्मल चूल्हे पर यह बन नहीं पाता है, तो इसके लिए अलग से एक ख़रीदा गया है। मैं अपने लिए मीठी रोटी बना रही थी, तो मैंने आटा कुछ ज़्यादा ही ले लिया, मैं ऐसे ही बिना मन के बना रही थी तो अच्छा बना भी नहीं, तो मैं खाई भी नहीं, थोड़ा सा खाई और मैं बकरी को खिला दी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।